हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ रहा हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। हमने ओपन करना है अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद सबसे पहला जो हमने काम करना है ना, वो हमने ये करना है कि हमने जाना है कटआउट में और इधर से हमने चूज करना है आउटलाइन और इसकी हमने सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। तो जो पार्ट ऑटो सिलेक्शन में आ जाए तो ठीक है, जो पार्ट रह गए हैं उनको हम ले लेंगे मैनुअल सिलेक्शन में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो पार्ट रह गए हैं वो हम ले लेंगे ऑटो सिलेक्शन के अंदर। रह गए इसको कर लिया, उसके बाद ये पार्ट रह गए। तो कुछ इस तरीके से हमने ये सिलेक्शन वगैरह कर लेनी है, ठीक है। ये हो गया सिलेक्शन। तो अब हमने अनहाइड करके देख लेना ये जो पार्ट अभी भी रह गए हैं या जो पार्ट इजाफी हैं उनको हमने इरेज करना है। इरेजर में जाके तो साइज को हमने कम, तो सिंपली ये जो पार्ट इजाफी आ गए हैं ना हमारी सिलेक्शन में, इनको हमने कर देना है इरेज। तो सिंपली ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। देखें अब इधर से रह गए। तो ये देखें अब सिंपली हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये एयर से रहेगी, इसको भी कर लेंगे। तो ये देखें सिंपली जो हमारी सिलेक्शन थी वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। जो हमारी मेन सिलेक्शन थी, अब हमने क्या करना है, सिंपली सेव और ड्रॉ टूल में जाके इस पिक्चर को हमने सेव कर लेना, थ्री डॉट पर क्लिक सेव इमेज। अब हमने क्या करना है, सिंपली फुली बैक आ जाना है हमको, और जो हमारा आज का बैकग्राउंड है ना उसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, उधर से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, सिंपली जाना है ऐड फोटो में और अपनी पिक्चर को मैं कर लूँगा ऐड। ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से मैं कर लूँगा इसको सेट।
सेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको फ्लिप नहीं करना, उधर ही रहने देते हैं। मैंने कहा अभी इस तरह चेक कर लेते हैं कि अगर ठीक लगे तो ये ठीक नहीं लग रहा था, तो इसको आपने कुछ इस तरीके से सेट कर लेना, ठीक है। तो मैंने इधर सेट कर लिया, सेट करने के बाद मैं कर दूंगा सिंपली डन। डन करने के बाद मैं जाऊंगा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद इधर शैडो का पीएनजी है, शैडो का पीएनजी को लाऊंगा, और इधर सेट करने के बाद सिंपली इसकी ओपेसिटी को कर दूंगा कम। कम करने के बाद सिंपली मैं पिक्चर को डन करूंगा और अब जाऊंगा ऐड फोटो में। और कुछ इस तरह की आपने अपनी दूसरी पिक्चर ले लेनी है, ठीक है, उसको इधर सेट करने के बाद ओपेसिटी को करना है कम, और चलेंगे इरेजर में और इसको इरेज कर देंगे शेप में जाके कुछ इस तरीके से, ठीक है। डन कर देंगे, ठीक है। अब चलेंगे इरेजर में और इरेजर में जाकर साइज को हम कम, फेस्टी हार्डनेस को कम, और साइड पर कुछ इस तरीके से ये देखें इरेज करेंगे, ताकि हमारी पिक्चर है ना जो ये एक ओरिजिनल लुक पेश करे, ठीक है। सिंपली इस तरह इरेजर करने के बाद पिक्चर को थोड़ा सा फेस्टी को कर देंगे कम, ताकि जो हमारी मेन पिक्चर है वो थोड़ा अच्छे तरीके से दिखे। डन कर देंगे। डन करने के बाद मैं जाऊंगा फिर से ऐड फोटो में, और कुछ फ्लाइंग पेपर का पीएनजी है, ठीक है, इसको सेट करने के बाद मैं जाऊंगा ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन। तो इसको कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद मैं पिक्चर को डन कर दूंगा। डन करने के बाद मैं जाऊंगा ऐड फोटो में और लेंस फेयर एक यूज़ करूंगा, इसका ब्लेंडिंग मोड कर लूँगा स्क्रीन, इसको मैं इधर यूज़ करूँगा, ठीक है। यूज़ करने के बाद मैं पिक्चर को कर दूँगा डन। डन करने के बाद मैं जाऊँगा एफएक्स में, और इधर ये जो डुर्गर वाला इफ़ेक्ट है इसको अप्लाई करने के बाद इसकी फेड को हम कर देंगे 50 के राउंड बॉन, और डन कर देंगे। डन करने के बाद अब मैं जाऊँगा फिर से एफएक्स में, और इधर मैं एक इफेक्ट देख लूँगा शार्पन वाला, इसकी फेड को मैं कर दूँगा 54 के राउंड बॉन, मर्ज कर दूँगा, और HDR2 को अप्लाई करने के बाद इसकी फेड को भी मैं कर दूँगा 70 के राउंड बॉन, डन कर दूंगा। तो ये देखें हमारी पिक्चर ही बहुत ही कमाल की लुक दे रही है। अब हमने क्या करना है, विदाउट लाइटरूम एप्लीकेशन में जाए तो ड्रॉ टूल में जाना है और सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव इमेज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नेक्स्ट वीक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।